क्लास ज्योग्राफी का आज अपना लेसन 5th स्टार्ट हो चुका है और लेसन का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती हैं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती हैं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांट दिया जाता है। और आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 4 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। आज जो हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री व खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं किस किस के बारे में बताती हैं? ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें क्या है, उसमें आखेट, आखेट होता शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, पशु चारण यानी पशुओं को पशुओं के चराने की जो जगह होती है, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य कर्मशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही करते हैं। फिर प्राथमिक क्रिया का जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको टीच करवा रही हूँ वो है आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। जब मानव का विकास आरंभ हुआ और जो उसको आदिमकाल बोला जाता है उसमें मानव क्या करता था, अपना जीवन का गुजारा करने के लिए अपने समीप के वातावरण पर ही डिपेंड था। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों पर होता था, यानी जीवन जो उसका जीवन था और निर्वाह उसके जीवन का जो गुजारा चलता था वो दो कार्यों पर था। पहला है पशुओं का आखेट, आखेट होता शिकार करना। पहला कार्य कौन सा था? पशुओं का शिकार करना। और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। पहला था शिकार करना, दूसरा था जो उसके समीप जंगली पौधे जिनसे खाने पीने की चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको इकट्ठा करना। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशय एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण का आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है तथापि ये तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राचीनतम ज्ञात जिनको जाना जा सकता है आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? भोजन संग्रह एवं आखेट। भोजन संग्रह खाना पीने को इकट्ठा करना, आखेट शिकार करना, ये कौन सी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में क्रियाएं विभिन्न सत्रों पर विभिन्न रूप से की जाती हैं।
इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करके इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन का अधिशेष भी नहीं रह पाता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। जो भोजन संग्रह के को दो भागों में बांटा गया है, भोजन संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक जो भोजन संग्रह को बांटा गया है उच्च अक्षांश क्षेत्रों में, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिण चिली आते हैं। दूसरा निम्न अक्षांश क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन उष्ण कटिबंधीय है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी यूरोप, पूर्वी एशिया, आंतरिक प्रदेश आते हैं। आधुनिक समय में भोजन का संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। पहले जिसके जरिए मानव की जीविका चलती थी, अब उनका क्या होने लगा है? व्यापारीकरण भी होने लगा है। तो इसमें प्राथमिक क्रिया में हमने आखेट और जो दो पढ़ के आए हैं, एक आखेट तारिक भोजन संग्रह था, पशु चारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायुक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वाह अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार, यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, जिसको क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहते हैं। फिर है वाणिज्य पशुधन पालन। क्या था? चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन भी अधिक व्यवस्थित हुआ, क्योंकि इससे क्या है, एक पूंजी प्राप्त होने लगी। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। लेकिन भारत में क्या था, ये आदिम जो पुराना समय था उसमें एक लोगों की जीविका का साधन था। जैसे इसमें कुछ विशिष्ट गतिविधियां भी थी, एक ही जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते थे। इनमें प्रमुख रूप से भेड़ बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे क्या होता था? इनसे मांस, खाल, ऊन आदि प्राप्त किया जाता था। क्या किया जाता था? मांस, खाल, ऊन आदि प्राप्त किया जाता था, जो उनके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी था। फिर हम आते हैं कृषि। कृषि विषयों में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित है। जो कृषि होती थी वो कृषि, जैसे निर्वाह कृषि क्या थी? इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण लगभग उपयोग करते थे। निर्वाह का अर्थ होता गुजारा। पहले समय में जो आदिमकालीन समय था उसमें जो कृषि की जाती थी वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती थी, और जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया तो क्या हो गया, इसका दूसरा रूप गहन कृषि। गहन कृषि इसमें क्या, इस प्रकार की कृषि
कहाँ पर होती है? मानसून एशियाई के घने बसे देशों में की जाती है। और जो गहन कृषि है वो भी दो प्रकार की होती है। गहन कृषि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल पार्ट टू में करेंगे। ओके।